अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी पालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 42 न्यूक्लियर फिजिक्स प्रॉब्लम 44। वो कहता है डिके ऑफ पेरेंट्स दिखाया जा रहा है रेडियो एक्टिव सैंपल में। एनएस आपको जो पीक वैल्यू दी गई है 2 × 10⁶ टाइम की पीक वैल्यू 10 सेकंड दी गई है, एक्टिविटी मांगी जा रही है 27 सेकंड पे। अब आपके पास अनडिके न्यूक्लियाई के लिए टूल होता है इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब लैम्डा की वैल्यू भी हम जानते हैं, देन आपके पास हम यहाँ से एन ओवर एन नॉट ले लेंगे। पहले हमें डिके कांस्टेंट चाहिए, तो डिके कांस्टेंट निकालने के लिए ग्राफ की मदद लेते हैं हम। इसमें निस्फ ले लेते हैं, हाफ एन, अगर इसे हम एन नॉट एन कह देंगे तो ये एन नॉट का हाफ हो जाएगा, तो एन नॉट बाई टू। तो इसके कितनी देर में हो रहा है, 2 सेकंड के अंदर हो रहा है। तो अब हम यहाँ से डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस फैक्टर से, दोनों तरफ का नेचुरल लेके एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, लैम्डा एक तरफ कर लेंगे टी। अब हमें पता है 2 सेकंड पे ये हाफ रह रहा है, तो एन नॉट भी पता है, एन भी पता है, सारे को लेकर सॉल्व करेंगे 0.3466 पर सेकेंड आ गया, तो लैम्डा पता चल गया। अब लैम्डा पता चल गया तो जनाब 27 सेकंड के बाद कितने एटम रिमेनिंग है, तो एन नॉट की तादाद पता है, लैम्डा पता है, टी पता है, तो 173 आ जाएगा। डिके रेट की बात करें तो हम कितने आते हैं, आर बराबर होता है लैम्डा एन के, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, एन की वैल्यू पता है, तो 60 बैकरल आ जाएगा, तो यानी 60 न्यूक्लियर डिके हो रहे होंगे पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।